हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी रिंकीज चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक ब्यूटी वीडियो, ब्यूटी टिप्स वीडियो, जो कि है ओट्स के बारे में। और अगर आप इसे करते हैं अपने घर में तो आपको पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, ये है स्क्रबिंग ओट्स और हनी की, क्योंकि ओट्स एक साथ 3-4 चीज़ें करती है आपके स्किन में। ये नेचुरल क्लिंजर है, ये फाइट्स करती है एक्ने के साथ और रिड्यूस करती है ब्लैक स्पॉट्स को, डार्क स्पॉट्स को, और एंटी एजिंग से बचाती है। और ये अच्छी स्क्रबर है, फेस स्क्रबर। सो इसके लिए हमें चाहिए ओट्स, हमें जितनी चाहिए, मैंने इतना ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, और लगभग 1 चम्मच है। और हम उसमें ऐड करेंगे हनी यानी शहद, मैंने पतंजलि का लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं जो कि नेचुरल होगी। और हम उसमें ऐड करेंगे कर्ड और दही, और उसमें ऐड करेंगे गुलाब जल, क्योंकि ये सारी जो कॉम्बिनेशन है हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। सो फ्रेंड्स, इसे अप्लाई करने से आपको पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले इस स्क्रब को बना लेते हैं। सो ओट्स में हम ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच रोज वाटर यानी गुलाब जल, इससे ये थोड़ी स्मूथ हो जाएगी और हमारे स्किन पर ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे कर्ड यानी दही लगभग 2 चम्मच, और फिर इसे मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी देर बाद हम उसमें ऐड करेंगे लगभग इसी चम्मच में हनी यानी शहद 1 चम्मच, और इसको अपने फेस पे स्क्रबिंग करेंगे अच्छे से जेंटली, ताकि स्किन में कोई रेसेस ना आए। अच्छी तरह से जेंटली मसाज करेंगे 15 मिनट तक, और 5 मिनट तक स्क्रब करेंगे और उसे 15 मिनट तक रहने देंगे अपने फेस पर। और जब ड्राई हो जाए तो फिर हम अपने फेस को अच्छे से सादा पानी से धो लेंगे। और फिर चाहे उसके बाद आप चाहे तो कोई टोनर या फिर रोज वाटर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कर्ड जो है, कर्ड यानी दही गुड बैक्टीरिया से भरपूर है, जो कि हमारे स्किन को ग्लो देती है, नॉरिश करती है। कर्ड में है फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। कर्ड यानी दही स्किन कॉम्प्लेक्सन को भी दूर करती है, और उसमें होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि अगर आपके स्किन में एक्नी होगी तो एक्नी को रिड्यूस करेगी, ठीक करेगी। और ये एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, जो कि स्किन को हील करती है और आपको स्किन को ड्राई होने नहीं देती। और इसे बहुत ड्राई स्किन और ऑयली स्किन दोनों यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे हनी यानी शहद। शहद हमारे स्किन को टाइट करेगी और मॉइस्चर करेगी, क्लीन करेगी और हाइड्रेट भी करेगी। और इसके बाद हम यूज करेंगे इसमें रोज वाटर। रोज वाटर पीएच बैलेंस को मेंटेन करती है हमारे स्किन में, और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करती है। और रोज वाटर में है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो कि स्किन डैमेज, स्किन इरिटेशन, स्किन रेडनेस को रिड्यूस करने में मदद करती है और एक्ने को भी रिड्यूस करती है। और अब बात करते हैं ओट्स की। ओट्स में होती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो कि पॉल्यूशन की वजह से होने वाले स्किन डैमेज को और स्किन रेडनेस को क्लियर करती है, स्किन सनबर्न को ठीक करती है, स्किन को हील करती है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, और स्किन को क्लियर करती है, पोर्स को क्लीन करती है, डार्ट और ऑयल को रिमूव करती है और एक्सेस ऑयल को रिमूव करती है, स्किन को एक्सप्लोर करती है, स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग बनाती है और एक्ने को भी ट्रीट करती है। सो फ्रेंड्स, ये जो होममेड स्क्रबिंग कॉम्बिनेशन है अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियल है स्किन के लिए। सो इसे अप्लाई कीजिए और महसूस कीजिए इसकी जो गुडनेस को। सो ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी पता चले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।